गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है 19 जनवरी, आज है मेरी बेटी मान्या का जन्मदिन। वैसे तो हमने रात को ही उसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया था, तो अभी मैं उसको उठाने जा रही हूँ। सुबह का समय है, मैंने नहा धो लिया है, तैयार हो गई हूँ। कंघी मैंने ऐसे नहीं की है, अभी कंघी करने वाली है, बट अभी मैं जा रही हूँ उसके कमरे में उसको उठाने, उसको विश करने हैप्पी बर्थडे की। फिर हम शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने आज सोचा है कि मैं लच्छे परौंठे जो है आज घर पे बनाऊं, तो लच्छा परौंठा भी मैं आज बनाऊंगी। अगर मौका मिला तो लच्छा परौंठा मैं कैसे बनाती हूँ उसका जो वीडियो क्लिप है, मैं उसके उसको मैं शेयर करूँगी। सो अभी हम चलते हैं मान्या की तरफ। मान्या, ए मान्या, मान्या उठ। मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ, क्योंकि इससे ना वो बन नहीं पा रही है बात। तो मैं कैमरे को अभी फ्रंट कैमरे में ला करके वीडियो शूट करने की कोशिश करती हूँ। मान्या, हैप्पी बर्थडे मान्या, हैप्पी बर्थडे मान्या, उठो। गुड मॉर्निंग मान्या। ये देखिए, अभी इसका उठने का मन नहीं है। देखो टैडी भी वेट कर रहे हैं मान्या तेरी उठने की। बोल दो हैप्पी बर्थडे, उठ जा फिर। अरे अरे अरे, चलो जी इसको सोने देते हैं। तो इसको अभी सोने देते हैं, इसका अभी मन नहीं है उठने का। तो ये इसका, देखिए इसका कमरा है, कैसे इसने पीछे ये कर रखा है। तो ठीक है, हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद इसको उठाते हैं। और शाम को कुछ गेस्ट को बुलाया हुआ है मैंने अपने घर से, तो वो आएंगे तो हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। सो मिलते हैं, अभी मैं आपको शाम को मिलूंगी। आज का जो व्लॉग है ऐसे ही चलेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। तू क्या कर रही है? अच्छा, प्रायोरिटी ये हमारी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मान्या, हैप्पी बर्थडे तो वीडियो आ रहा हूँ। ये तो खा ले अब सारा। मैं क्यों कर लूँ? इधर बनाए सारे, सारे इधर आए, इधर बनाए। ए खिला बाकी भी। मामी है। हाँ हाँ। ये नू खिलाना है, इसका मुझे खिलाना है। ना माना तेरे मुझे पाना है। मैं खिला रही हूँ पहले। भैया जी गाना गाना। थोड़ा जले। बहना के लिए आपकी मर्जी है। बहना ने भाई बधाई होवे मान्या बावरा, बधाई नानी होवे, पहली बधाई मान्या दी नानी होवे, जिने पार्टी विच आए नी बधाई होवे, एक थाली खा के स्विमिंग पूल डाइट पे आ गया। की डाइट है? चाइनीज डाइट है। ना भी कहेगा तू बैठ डाइट पे।
गैरी बन बकरा मैं नहीं खाना यार हल्का दे मैं पीस खा लूंगा ये एक दिन डाल दे छोटा नहीं यार मैं कब मैं यार मीठा अरे मीठा नहीं खाना मेरे को तुम नहीं खाना मेरे को नहीं खाना थोड़ा सामने होके लड़ो तो वो तो भैया खाएंगे ना तीन जो थैंक यू माझा दोआबा मालवा नहीं करूंगा इसका कल माझा में आते हैं पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर माने अन्ना भैया को डालो प्लेट में पटियाला संगरूर आया हैप्पी बर्थडे वे बधाई होवे गलती नाल 16 लगे हो या अदरवाइज मान्या 15 साल दी हुई है 16 लग गया माझे दे बंदे है नंबरिंग साड़ी थोड़ी जी गलत हो गई है जिन्होंने गेम पूरी खेडी ओले कटिया रोंग साइड जंदे जंदे बहुत सोहनी लगे कर दी अज पर जाए अज तो लगे कर दी है मॉडर्न मैं सोचे आशा पर स्टाइल होना पापी आशा पर तो बर्थडे सेलिब्रेशन आपने देख ली बट मैंने जो लच्छा पराठा बनाया था उसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये लच्छा पराठा कैसा लगा तो नॉर्मल मैंने आटा जो है गूंद लिया था तो उसमें थोड़ा सा मोइन डाला था और आधा घंटा रख दिया था अब उसके बाद मैंने क्या किया कि बड़ा सा गोला लिया पेड़ा बनाया और उसके ऊपर मैं अभी स्प्रेड कर रही हूँ देसी घी देसी घी अगर थोड़ा सा टाइट सा हो ज़्यादा लिक्विड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है तो उसको अच्छे से स्प्रेड करो और इसके बाद इसके ऊपर डाल दो सूखा आटा सूखा आटा भी आपने बिल्कुल पूरी रोटी के ऊपर जहाँ जहाँ आपने घी लगाया है अच्छे से स्प्रेड कर लेना ये हाथ से जैसे मैं कर रही हूँ और अब इसके बाद हमने क्या करना है इसके डालने हैं प्लेट्स अच्छे से स्प्रेड करने के बाद देखिए पहले जिस तरीके से मैं ये प्लेट्स डाल रही हूँ इसी तरीके से आपने डालने हैं थोड़ा सा लगता है टाइम बट बहुत अच्छा जो है पराठा आप घर पे लच्छा पराठा बना करके खा सकते हो बच्चे भी खुश हो जाएंगे मुझे बहुत टाइम लगा था क्योंकि मेरे गेस्ट आपने देख लिया था काफ़ी आए थे तो मैंने 15 से 20 लच्छे पराठे बनाए थे तो मुझे 2-3 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था बट सब लोग खुश हो गए उनको पता ही नहीं चला कि ये लच्छा पराठा मैंने घर पे बनाया है या बाहर से मंगवाया और साथ में मैंने बनाई थी मिस्सी रोटी तो जब आपकी इस तरीके से प्लेट्स बन जाए तो फिर साइडों में भी आपने क्या है घी लगाना है आप घी बटर जो भी जिसमें बनाना चाहें आप उसमें बना सकते हैं तेल रिफाइंड वगैरह अब हमने इसको बड़े अच्छे से स्मूथ हाथों से हमने इसका ऐसे अराउंड बनाना है एक गोला सा बनाना है और इसको हमने रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं ये देखिए तो जितनी पतली प्लेट्स आप डालेंगे उतना ही आपकी लेयर्स जो हैं ज़्यादा बनेंगी तो इस तरीके से मैंने ये 4 पेड़े बना लिए हैं तो अभी मैं 20 मिनट के बाद इसको हमने नीचे थोड़ा सा आटा सूखा आटा दे करके आपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है और फिर बेलना है यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है इसलिए लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ लेकिन आपने धीरे हाथों से इसको करना है ताकि इसके जो लेयर्स हैं वो बरकरार रहें वो ज़्यादा आपस में मैशअप ना हो जाएं तो इसलिए हमने इसको धीरे हाथों से करना है तो ये देखिए इस जितना आपने बड़ा करना है आप करें
तो इस तरीके से आपने एक गोल परांठा जो है इसका तैयार कर लेना है, और दूसरी साइड मैंने तवा जो है गर्म करने के लिए रख दिया। जब एकदम से तवा गर्म हो जाए तो फिर उसकी फ्लेम जो है आपने बिल्कुल मीडियम पे कर देनी है। तो इसके ऊपर हमने ये लच्छा परांठा जो है डाल देना है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं, और मैंने रखे हैं दो तवे, तो मैं दोनों तवे के ऊपर एक साथ ही रोटी जो है डालने वाली हूँ ताकि जल्दी से काम बन जाए। यहाँ पर मैं दूसरा परांठा जो है वो बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें ज़्यादा लेयर्स आई हैं, किसी में मेरी जो प्लेट्स हैं वो कम मोटी बनी है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो ये देखिए, दूसरा परांठा भी बनके तैयार हो गया है। तो इसको मैं अभी डालती हूँ तवे के ऊपर। तो जब ये पक जाए तो इसको आपने पलटना है। पलटने के बाद ये देखिए, जब हल्का हल्का ये पक जाए तो फिर आपने गोल्डन से जब इसमें चिन्ह आए तो आपने इसको पलटना है और घी लगाना है, और धीरे धीरे इसको आपने सिकने देना है ताकि इसकी लेयर्स जो है अंदर तक पक जाए। अभी जब ये पक रहा है तो इसकी लेयर्स कम दिखाई देंगी। जब पकने के बाद ये ठंडा हो जाता है तो ये अपने आप अलग से दिखने लगती हैं, इसकी लेयर्स अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स जो है दिख रही हैं। तो सूखने के बाद ये और अच्छे से, पकने के बाद ये बहुत अच्छा, ये देखिए अभी से ही टूटनी शुरू हो गई हैं। तो इसका यही रहता है और बहुत टेस्टी बनता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। देखिए, दोनों पराठे एक साथ सिक रहे हैं, इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं दिखाई दे रही हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने मान्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।